आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक आक्रांत गिलगित बाल्टिस्तान एवं मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में मूलतः भारतीय जनसंख्या के मानवाधिकार हनन एवं भारत की आक्रांत भूमि के हो रहे अनैतिक शोषण एवं उपयोग के विषय को विश्व समुदाय के बीच लाने और निराश एवं दमन सह रही पीओजेके की जनसंख्या के भविष्य के लिए आशा के दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, प्रांत सह मंत्री सचिन सिंह, विभाग संयोजक शिवा शर्मा, महानगर मंत्री सरल शर्मा, महानगर सह मंत्री आर्यन प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार दिवाकर, तुषार कुमार, सचिन राजपूत, उदय सोती, अमन कक्कड़, अनुभव गुप्ता, दिव्यांशु सोती, काव्य सक्सेना, अभिषेक कुमार, आशा अग्रवाल, आनंद ठाकुर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा नाम शिवा शर्मा है, मैं विभाग संयोजक विद्यार्थी। आज कैंटीन मार्च किसने निकाली जाती है? आज आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और एक कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है। जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर के अंदर जो है धारा 370 पहले लगी हुई थी, जिसमें वहाँ पे रहने वाले ब्राह्मण परिवार, पंडित परिवार 5 लाख तो ऑन रिकॉर्ड है, 7 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाल दिए, और जबकि कोर्ट भी था, सब था, उनके पूरे तरीके से उनके मानव अधिकारों का बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए जो मानव अधिकार होते हैं। ऐसे ही कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें वहाँ पे भी किस तरीके से यूज़ हो रहा है, सब लोगों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, और साथ ही जो है वहाँ आतंकवाद अपना अलग ही रूप दिखा रहा है। इस विषय को लेकर के आज हमने कैंडल मार्च किया है कि एक आशा की लो उनके जो है मानव अधिकार सुरक्षित रहें, इस उपलक्ष्य को लेकर के आज कौन कौन लोग इसमें मौजूद हैं? आज हमारे संत परिवार के कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्य और कुल आर्टिस्ट क्या कहना चाहेंगे इसमें? अपील हम लोगों का कैंडल देने का यही है कि एक तरीके से सब मानव अधिकार सबके लिए, तो ये अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबका रहना चाहिए, और जिस तरीके से धारा 370 जब लगी हुई थी, जिस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार हुआ और आज भी देश के बाहर और देश के अंदर कई जगह पे ऐसा हो रहा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और सुरक्षित बना रहे। कितने लोग यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या अच्छी खास। भारत सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे वो पाकिस्तान से कहे कि किस तरीके से काम किया जाए? जैसे उन्होंने CAA लेकर के आए हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस तरीके से उनके हाथ में काफ़ी चीज़ें हैं जो लेकर के आए और क्या नाम है, इस तरीके का जो है इस पर ध्यान दिया। तो CAA तो वगैरह आ गया, अब इसके आगे के क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, मैं सुझाव देना क्या चाहूँगा कि हम लोगों का मानव अधिकार को लेकर के आज हम लोग आए हैं और मैंने आपको बताया कि उस उपलक्ष्य में आज हमने कैंडल मार्च निकाल करके जो है उस उपलक्ष्य में किया है, तो NRC का तो जो है ये तो सरकार जाने, ये हम लोग कैसे कह सकते हैं।